Hello guys and welcome to Aficionado's Den where we stay in class. And guys, आज जो बियर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो एक बहुत ही अलग और बहुत ही स्पेशल बियर है क्योंकि वो एक इटालियन बियर है. दिस इज बीरा मोरेटी फॉर यू. नाउ व्हाई दिस इज स्पेशल, व्हाई दिस इज डिफरेंट इज बिकॉज इटली इज फेमस फॉर इट्स वाइन्स एंड अ बियर कमिंग फ्रॉम इटली इज क्वाइट अ स्ट्रेंज एंड अ डिफरेंट थिंग फॉर मी. सो इसलिए टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट दिस बियर. दिस बियर इज बॉटल्ड एट 4.6% ABV जो कि एक नॉर्मल बियर है, लाइट बियर है. आई गॉट दिस बियर फॉर 220 rupees फ्रॉम गुड़गांव. एंड अगर मैं इस बियर के बारे में थोड़ा सा और बताऊँ तो दिस कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन यूडीन इन इटली इन द ईयर 1859 एंड 1860 द फर्स्ट बियर बॉटल्स वर सोल्ड इन द मार्केट. And it was established by Luigi Moretti. So that is how it is. And in the year 1996, this was sold to Heineken. And today it is owned by Heineken. So that's how it is. That is about the beer that I wanted to share with you. चलिए इसको खोलते हैं, करते हैं इसको open and let's see what this beer has to offer. चलिए. बियर खुल चुकी है. चलिए, दैट्स बीरा मोरेटी फॉर यू. दिस इज अ 330 ml पाइंट. ओके, सो बियर हो चुकी है पोर. इट इज अ लागर बियर. चलिए करते हैं इसकी नोजिंग एंड टेस्टिंग. अगर मैं कलर की बात करूं तो एक गोल्डन कलर की बियर है ये. लेट्स गो एंड गेट ऑन टू द नोज. नाइस कैरमली बर्न्ड एंड अ बिट फ्रूटी एज वेल. दिस बियर हैज मॉल्टेड बाले इन इट. दिस बियर हैज गॉट हॉप्स इन इट ऑफ कोर्स, बट दिस बियर हैज आल्सो गॉट मेज इन इट. तो दैट्स व्हाई आई गेस वी आर गेटिंग these kind of aromas. चलिए एक और nose करते हैं and then let's get on to the taste. एक cereal सा aroma आ रहा है, maltiness आ रही है इसमें से. Yeah, I think that's pretty much about the nose. एक clean nose है. चलिए let's get on to the taste. Quite an interesting beer, I would say. अच्छी fruitiness है, अच्छी refreshing bitterness है at the back of the palate. I can get fruitiness in it. I can get the maltiness I was talking about. Then I can also get those caramel type of flavors in it, and I can also get flavors of apricot and peaches in it, which is quite interesting in a beer. Chale, let's get on to the second taste. क्वाइट इंटरेस्टिंग. मुझे हल्के से जो है ट्रॉपिकल फ्रूट्स के नोट्स भी आ रहे हैं इसमें से. आई वुड रियली से इट हैज गॉट अ वेरी गुड टेस्ट. चलिए लेट्स गेट ऑन टू वन मोर टेस्ट. आई मीन आई स्टिल आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट दैट वन फ्लेवर दैट इज देयर. चलिए लेट्स गेट ऑन टू वन मोर टेस्ट. एक हल्का बनाना का फ्लेवर है इसमें. Yeah, I guess that's pretty much it about the beer. अगर मैं इस बियर के एफिशिएंटोस रिपोर्ट कार्ड की बात करूं तो ऑन द प्राइस कंसीडरिंग ऑल द फैक्टर्स कंसीडरिंग इट्स एबीवी एज वेल एज यू नो द अमाउंट आई थिंक इट इज अ बिट प्राइसी. सो ऑन द प्राइस पॉइंट आई वुड गिव इट 7.
But on the taste, I would definitely give it a 9. So इस beer का aficionado's number होता है 8. A very good beer indeed, must try it and एक बार try करके मुझे जरूर बताना in the comments below कि आपको कैसी लगी है beer. गर्मियों का time है तो enjoy कीजिए थोड़ी सी beer, थोड़े time के लिए गर्मियाँ रह गई हैं, फिर तो of course we'll get on to whiskies and cognacs and bottle and whatnot and rums. तो चलिए कुछ दिन की और गर्मियाँ रह गई हैं, let's enjoy our beers. That's pretty much it for this beer today. Do drink it, but do drink it responsibly and do not drink it, right? And as we say in aficionado's den, stay classy and cheers.